नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों, इस अपडेट में हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले लाइव सेशन में जो एफबी पे लाइव थे इग्नू के विशेष सर, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, आपके प्रोजेक्ट हैं, फील्ड वर्क जर्नल है, इंटर्नशिप है, डिजर्टेशन है, उसके लिए भी ऑनलाइन कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी, उस पर काम चल रहा है। तो उसकी पहली अनाउंसमेंट दो प्रोग्राम के लिए हो चुकी है, जो उन्होंने न्यूज़ अनाउंसमेंट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपडेट कर दिया है उन्होंने कि कैसे क्या प्रोसेस करना है आपको इस जून टर्नमेंट के लिए, अपने प्रोग्राम्स के लिए जो PGD CFT है एंड MSc CFT प्रैक्टिकल्स, इंटर्नशिप एंड डिजर्टेशन फॉर जून 2020 टर्नमेंट एग्जाम। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हमारे तरफ से आपको मिलती रहती है। तो चलिए आगे मैं इसमें बता देता हूँ डिटेल में आपको, थोड़ी सी मोटी मोटी बातें, बाकी इसका लिंक मैं PDF का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से पूरा आप डिटेल थॉरली पढ़ के अपना इस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये है अपडेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अटेंशन PGD CFT एंड MSc CFT लर्नर्स, तो ये उनके दो दो प्रोग्राम्स के लिए आ चुके हैं, बाकी सभी प्रोग्राम्स के अभी जल्द ही आने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिकल्स और ये आपके प्रोजेक्ट हैं, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क जनरल जो भी हैं, उनके भी जल्द ही आपको आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, वो अपडेट मैं कर दूंगा, चैनल पर बने रहें। और तो ये जैसा कि फैसिलिटेट गाइडलाइन फॉर कंप्लीटिंग प्रैक्टिकल कोर्स इंटर्नशिप एंड डिजर्टेशन फॉर द जून 2020 ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक सिनेरियो, ठीक है। तो इसमें दो सब्जेक्ट के लिए अभी ये उन्होंने किया है, फॉर द लर्नर्स हु हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल्स ऑफ वेरियस सुपरवाइज प्रैक्टिकम कोर्सेस, ठीक है, इंटर्नशिप एंड डिजर्टेशन ऑफ PGD CFT एंड MSc CFT विथ द फील्ड वर्क नॉट बीइंग पॉसिबल ड्यू टू लॉकडाउन कंडीशन ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। तो इस पे उन्होंने ये अपना पहला दो सब्जेक्ट के लिए इन्होंने ये डाल दिया है, इनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के, दोनों सब्जेक्ट के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सेम है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये हैं इनका, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका नंबर है, इनसे बात भी कर सकते हैं कोई कन्फ्यूजन है तो, ये दोनों लोगों का मोबाइल नंबर, और ये है दोनों प्रोग्राम जुलाई सेशन में ऑफर होते हैं एक ही सेशन में, और ये है उनका ईमेल आईडी और उनका नाम, ठीक है, और उनका कांटेक्ट नंबर, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं बाय ईमेल और बाय फ़ोन। फ़ोन तो बहरहाल ऑफिस का है, आप ईमेल पे कांटेक्ट करने का ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए आगे आपको पहले बताते हैं इसमें, ठीक है। तो ये दो कोर्सेज जो पहले PGD CFT के लिए, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रैक्टिकल जो भी हैं आपके, ठीक है, इसमें से आपको Any 3 प्रैक्टिकल्स करने हैं, ठीक है, यू मे डू Any 3 प्रैक्टिकल्स ऑफ ईच, ठीक है। इसमें ईच प्रैक्टिकल के लिए विल कैरी 50 मार्क्स रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, फॉर चूजिंग द रिस्पॉन्स फर्स्ट लुक योर इन टू योर होम सराउंडिंग, यू मे कंडक्ट द एक्टिविटी फेस टू फेस इंटरेक्शन, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, अदर या फिर आप गिवन चेंजिंग टाइम डू सो थ्रू यूज द ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मोड और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लाइक वाइज इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा अगर नहीं है तो आप टेलीफोनिक या ऑनलाइन की सहायता ले सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल ऊपर वाला ना हुआ तो, ठीक है, तो आप दूसरे सेकेंड सोर्स का जो है सहायता ले सकते हैं, ऑनलाइन का या टेलीफोनिक, जैसा भी आपको सुविधा, जैसे हिसाब का आपके एरिए के हिसाब से रहे वैसे कर सकते हैं। और दूसरा गाइडलाइंस है जो MSc CFT के लिए है, तो उसमें ये काफ़ी सारे इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उन सभी के लिए जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उनके लिए गाइडलाइन है। तो जो MSc CFT L6 एंड 7 के लिए ये गाइडलाइन है, तो यू डू Any 3 प्रैक्टिकल्स ऑफ ईच 2 क्रेडिट सुपरवाइज प्रैक्टिकम कोर्स, ठीक है, ईच प्रैक्टिकल विल कैरी 50 मार्क्स, तो ये उनके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है, तो ऐसे उनको दिया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा ये है फोर क्रेडिट के सुपरवाइज प्रैक्टिकम कोर्स हैं, उसमें MSc CFT 4 है, MSc CFT E 5, MSc CFT 6, ठीक है, यू नीड डू ओनली
द फॉलोइंग थ्री, इसमें इन तीनों में से एक करने हैं आपको, ठीक है, इन तीनों में से एक करने हैं और ये रूल्स फॉलो करते हुए करने हैं, ठीक है। 50 मार्क्स का रहेगा और इसमें उन्होंने कहा है कि आप ऑनलाइन मोड करना है, व्यू काउंसलिंग सेशन यूट्यूब पे देखें, जहाँ से भी देखें ये सब चीज़ें आप यूट्यूब या जो भी वेबसाइट्स पे देखें उसका जो भी काउंसलिंग की वीडियो आप देख रहे हैं उसका यूआरएल भी पेस्ट करना होगा उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप लिखोगे आप, ठीक है। तो आप जो भी देखने के बाद उस पर आप राइट करोगे, एनालिटिकल रिपोर्ट लिखोगे, उसमें आपका ये यूट्यूब का लिंक भी होना चाहिए जो सेशन को आपने देख के ये लिखा होगा। सेम वैसे ये नीचे दिया हुआ है, पूरा आप पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सिक्स ग्रेड का इंटर्नशिप कोर्स MSSCFTP1, उसके लिए भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, आपको YouTube वीडियो देखने हैं टू कम, इसमें दो सेशंस देखने हैं, उसमें एक सेशन देखना था आपको, इसमें दो सेशंस देखने हैं, दोनों सेशन के URL आपको जो वाल एनालिटिकल रिपोर्ट लिखो उसमें पेस्ट करने हैं, ठीक है, और सेम यही प्रोसीजर रहेगा। तो आप इसको थॉरली पढ़ लीजिए, ठीक है, और अपना ये वर्क शुरू कर दीजिए। उसके बाद आता है 8 ग्रेड का MSSCFTP2, सेम वही प्रोसीजर है, फॉर डिसीजन ओनली सेकेंडरी डाटा मे बी यूज, प्लीज़ सेलेक्ट रिसर्च टॉपिक रिलेटेड काउंसलिंग फैमिली थेरेपी, ठीक है, रिसर्च और यूज सेकेंडरी डाटा सोर्स फर्निशिंग योर डिसर्टेशन, देर इज़ नो नीड प्राइमरी डाटा कलेक्शन, यूज ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल डूइंग रिव्यू लिटरेचर एंड राइटिंग डिसर्टेशन, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। तो उस पर उस बेस पे आपको लिखना है और इसमें कुछ मार्क्स आपको आपके सुपरवाइजर देंगे, ठीक है, और इसमें कुछ एक्सटर्नल होंगे, कुछ वाइबा पे होंगे, ये बेस्ड है इस पर। तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ के आप अपना डिसर्टेशन और ये सब सारी चीज़ें आप लिखना और रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। बाकी सभी स्टूडेंट के लिए जल्द ही वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वेबसाइट विजिट करते रहें और चैनल पे बने रहें, आपको मैं अपडेट करता ही रहूँगा। बस यही अपडेट था दोस्तों, और कोई अपडेट इससे रिलेटेड आएगा तो ज़रूर बताऊँगा, और भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आने वाली हैं, और इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। बाकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।